नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम पंचतंत्र की प्रथम कथा, मित्रभेद नामक प्रथम तंत्र की प्रथम प्रस्तावना कथा आपके लिए प्रारंभ कर रहे हैं। आइए विषय की ओर चलते हैं। विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों से कहा कि अब मैं मित्रभेद नामक प्रथम प्रकरण को प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसका प्रथम कथा का सार है कि वन में निवास करने वाले शेर और वृषभ के बढ़ते हुए प्रेम को एक लोभी श्रृंगाल ने नष्ट कर दिया। कथा आरंभ करते हुए आचार्य विष्णु शर्मा कहते हैं कि दक्षिण भारत में एक राज्य था महिलारोप्य नाम का। उस नगर में वर्धमान नामक एक वैश्य रहता था, वणिक पुत्र जो व्यापार करने का काम करते हैं, जिसने सदुपायों द्वारा प्रचुर मात्रा में धन एकत्रित कर रखा था। परंतु किसी दिन रात्रि में सोते समय उसके मन में एक विचार आया कि प्रचुर संपत्ति होने पर भी मुझे धनोपार्जन का कोई अन्य उपाय सोचते रहना चाहिए, तदनुसार प्रयत्न भी करते रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो धन के द्वारा प्राप्त न की जा सके। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक धन का उपार्जन आरंभ करना चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि धनवान व्यक्ति से सभी मित्रता करना चाहते हैं, उसके बंधु भी आत्मीयता से रहते हैं, उसकी गणना उत्तम पुरुषों में होती है, उसे विद्वान भी माना जाता है, धनिकों की प्रशंसा याचक गणों के द्वारा सभी संसार के जितने महत्वपूर्ण गुण हैं उनके माध्यम से की जाती है। शत्रु भी धनिकों के जो होते हैं सज्जनता का व्यवहार करते हैं, और दरिद्रों के आत्मीयजन भी उनके साथ दुर्जनता का व्यवहार करते हैं। इसीलिए धन का अर्जन करते रहना चाहिए। आगे आचार्य विष्णु शर्मा कहते हैं कि विभिन्न स्रोतों से जल संचय के द्वारा नदियाँ जैसे पर्वत से स्वयं को निकालती हैं, उसी प्रकार विभिन्न उपायों के द्वारा एकत्रित धन से मनुष्य के संपूर्ण कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। धन में इतनी क्षमता होती है कि व्यक्ति का हर कार्य स्वतः संपन्न होने लगता है। धन का ही प्रभाव होता है कि अपूज्य मनुष्य भी पूज्य जाता है, और अगम्य स्थान भी गम्य हो जाता है, और जो बंधु नहीं है वो भी आपका बंधु हो जाता है। इस प्रकार भोजन शरीर की समस्त इंद्रियों को ऊर्जा देता है, ठीक उसी प्रकार धन आपके समस्त कार्यों को ऊर्जा देता है। समस्त कार्य आपके स्वतः पूर्ण होने लगते हैं, उन कार्यों का साधन बन जाता है। धन का लालची शमशान को भी पूजता है, अर्थात धन के प्रति आसक्त व्यक्ति जो है वो शमशान की भी पूजा करता है, और निर्धन माता पिता को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। अगर धन नहीं है तो माता पिता जो हैं उनको भी बेटा छोड़ जाता है, उनके पास भी धन होना आवश्यक होता है। संपन्न व्यक्ति वृद्ध होने पर भी तरुण होता रहता है। अगर जो धनवान व्यक्ति है वो संपन्न है, अगर धन है उसके पास, तो वृद्ध भी हो जाए तो तरुण दिखता है, और अगर कोई तरुण व्यक्ति है तो तरुण युवक अगर निर्धन है तो भी वह वृद्ध दिखाई देता है, वृद्ध महसूस होता है। इसीलिए व्यक्ति को धन का अर्जन करते रहना चाहिए। अब आगे विष्णु शर्मा कहते हैं कि धन उपार्जन के लिए कुछ 6 उपाय बताए गए हैं। भिक्षावृत्ति, सेवावृत्ति अर्थात नौकरी, कृषि, विद्या, सूद पर ऋण देना और व्यापार। इनमें से व्यापार ही एक ऐसी कला है जिसके बिना किसी का तिरस्कार करे बिना धन कमाया जा सकता है। अतः भिक्षावृत्ति कपटी और नीच व्यक्ति के कारण, भिक्षुकों के कारण नष्ट हो चुकी है। राज्य सेवा में राजा जो है श्रम का उचित मूल्य नहीं देता। कृषि अत्यंत कष्ट साध्य होती है। विद्या गुरु की सेवा और उसके प्रति विनयभाव आदि के आचरण से बहुत कठिन हो जाती है। ब्याज पर अगर ऋण देते हैं तो दूसरे के हाथ में गए हुए मूलधन के भी डूब जाने का खतरा बना रहता है, और व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। व्यापार सबसे श्रेष्ठ और सुखद जीविका का साधन, और अन्य किसी को मैं इससे ज़्यादा सुखद नहीं मानता। उपार्जन के लिए बताए गए इन उपायों में एक वाणिज्य ही श्रेष्ठ है, अन्य सभी उपाय संशय में रखने वाले होते हैं। अब धन उपार्जन के लिए प्रशस्त वाणिज्य भी 7 प्रकार का होता है। गंधी व्यापार अर्थात तेल और इत्र का व्यापार करना, दूसरों के आभूषण आदि को बंधक बनाना, मोदीपना करना, परिचित ग्राहकों को ठककर उनके हाथ सौदा बेचना, वस्तुओं का झूठा मूल्य बताकर मुनाफाखोरी करना, कम तोलना, और विदेश से विक्रय किए हुए वस्तुओं का आयात निर्यात करना। इस 7 प्रकार का व्यापार होता है। इसमें कहा गया है कि व्यापार में गांधिक कर्म जो तेल और इत्र का व्यापार है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। आज की भाषा में इसे हम किराने के सामान का व्यापार कह सकते हैं, और इसके सामने सोने चांदी का व्यापार भी व्यर्थ हो जाता है अगर ये चल जाए तो, क्योंकि 1 रुपये में खरीदे हुए माल को 100 रुपये में बेचने के
चांस होते हैं, अत्यंत सरल होता है। इसमें बंधक अर्थात घरोहर को अपने पास रखना, गिरवी रखने से इष्ट देव से व्यक्ति यही प्रार्थना करता रहता है कि यदि रखने वाला व्यक्ति जिसने गिरवी रखी है वो मर जाए तो मैं आपको पूजन चढ़ाऊंगा। और मोदी का काम करने वाला व्यापारी जब किसी राजकीय सेना आदि को रसद भेजता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करने वाला व्यक्ति, तो प्रसन्न होकर अपने मन में सोचता है कि आज मैंने संपूर्ण पृथ्वी का धन प्राप्त कर लिया, और पुनः निश्चिंत होकर लूटना आरंभ कर देता है। किसी विश्वस्त ग्राहकों को दुकान की ओर आते हुए देखकर व्यापारी संतुष्ट होकर सोचता है कि आज तो लूटने का अच्छा मौका मिला। अतः वह ग्राहक के आगमन से इतना प्रसन्न होता है कि जैसे उसके घर पुत्र उत्पन्न हो गया हो। दुकान पर आए हुए परिचित ग्राहकों को न्यूनाधिक तोल के द्वारा ठगना और मूल्य में खरीदे हुए सामान को अधिक मूल्य पर बताना व्यापारियों का स्वभाव हो जाता है। सामानों का आयात निर्यात करने में व्यापार पटुता विदेश में जाकर कभी कभी अपने उद्योग के कारण दोगुने और तीन गुने लाभ को भी प्राप्त कर लेता है। अतः जो विदेश व्यापार है वो सर्वश्रेष्ठ व्यापार माना जाता है। बहुत देर तक जो व्यापारी था वह विचार करता रहा कि धन जो है वह मेरे पास प्रचुर मात्रा में तो है, लेकिन फिर भी कमाना अच्छा होता है क्योंकि इससे मित्र बन जाते हैं, बंधु आत्मीयता का व्यवहार करते हैं, और जितने भी साधन हैं उसमें से विदेश व्यापार सर्वश्रेष्ठ उसने विचार किया। उसके बाद उसने बिकने योग्य वस्तुओं की गाड़ी ला दी और उसके जो श्रेष्ठ जन हैं उनकी आज्ञा लेकर शुभ मुहूर्त में मथुरा की ओर प्रस्थान कर गया। उसकी गाड़ी खींचने वाले सजीवक और नंदक नामक दो बैल थे जो उसके घर में ही जन्मे, पाले पोषे और बड़े हुए थे। उनमें से एक सजीवक नामक जो बैल था वृषभ था, यमुना के कछार में पहुंचते ही दलदल में फंसने के कारण जूड़े को तोड़कर वहीं बैठ गया। उसके इस अवस्था को देखकर वर्धमान नाम का वह व्यापारी बड़ा दुखी हुआ और करुणा से द्रवित होकर 3 दिन तक उसने अपनी यात्रा स्थगित रखी। उसकी इस खिन्नता को देखकर अन्य साथियों ने कहा कि सेठ, एक बैल के लिए सिंह और व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से युक्त इस वन में रुक जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्राण संकट में डालना है ये। और बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में कहा भी गया है कि छोटी वस्तुओं के लिए कभी बड़ी वस्तुओं की हानि नहीं करनी चाहिए। इस संसार में व्यक्ति की बुद्धिमत्ता इसी में समझी जाती है कि वह छोटी वस्तुओं को सहर्ष त्याग कर बड़ी वस्तुओं की रक्षा करे। इसीलिए आपको छोटी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए अगर बड़ी वस्तुओं की सुरक्षा करनी चाहिए पड़े तो। छोटी और बड़ी में से कुछ चुनना पड़े तो बड़ी वस्तु का चुनाव करें। साथियों ने आग्रह किया तो व्यापारी ने उनकी बात स्वीकार कर ली और सजीवक के लिए कुछ रक्षकों की नियुक्ति कर दी और शेष साथियों को लेकर वहाँ से प्रस्थान कर गया। रक्षकों ने भी उस वन को देखा और भयानक वन को समझकर संजीवक को वहीं छोड़ दिया और वे भी सारथवाह के पास चले गए। दूसरे दिन उसके पास उपस्थित होकर कहा कि स्वामी, संजीवक तो मर गया, आपका प्रिय समझकर हमने उसको जला दिया। उनकी इस बात को सुनकर सारथवाह ने उनके प्रति स्नेह के कारण कृतज्ञता व्यक्त कर दी और वृषभ को औदिदेविक जो भी क्रिया है रीति रिवाजों के अनुसार वो पूर्ण कर दी। इधर अपनी आयु शेष होने के कारण संजीवक भी यमुना के जल से मिश्रित शीतल वायु लगने से थोड़ा स्वस्थ हो गया, किसी प्रकार उठा और धीरे धीरे यमुना के तट पे पहुंच गया और हरी भरी नवीन कोमल घासों को खाकर कुछ ही दिनों में वह शंकर जी के वृषभ के समान स्थूल और माशल पुष्ट हो गया। दिन प्रतिदिन वह आसमान में दीमकों द्वारा निर्मित टीलों को उखाड़ गिराने के बाद इधर उधर दहाड़ता फिरता। ठीक ये कहा गया है कि भाग्य द्वारा अगर कोई संरक्षित हो तो वह वस्तु बची रहती है, और सुरक्षित होने पर भी भाग्य के प्रतिकूल होने पर चीज़ें विनष्ट हो जाती हैं। वन में अनाज छोड़ा हुआ व्यक्ति भी भाग्य के अनुकूल जीता रहा और भाग्य की प्रतिकूलता से घर में भी रक्षा के सभी उपाय होने के बाद भी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। अर्थात कई बार प्रकृति आपके अनुकूल कई बार नहीं होती और चीज़ें जो है घर में रक्षित होने के बावजूद नष्ट हो जाती हैं, और कई बार वन में हिंसक लोगों के बीच, हिंसक जानवरों के बीच होने के बाद भी सुरक्षित रह जाती है। अब किसी दिन उस वन में पिंगलक नाम का एक शेर अपने अनुयायियों के साथ प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए यमुना के किनारे आ गया। उसने संजीवक के गंभीर दहाड़ को दूर से सुना और भय से व्याकुल होकर अपने स्वरूप को छिपाता हुआ एक वट का वृक्ष था उसके नीचे चतुर्मंडल व्यूह अर्थात अपने 4 मंत्रियों के साथ बैठ गया, और उसका अनुयायी वर्ग, भृत्य और अन्य सेवक जो उसके सम्मिलित थे। चतुर्वर्गी व्यूह जो होता है उसकी प्रथम परिधि में राजा बैठता है, उसके बाद उसके अनुयायी और विश्वस्त मंत्री सामंतगण बैठते हैं,
तीसरी पंक्ति में राजा के सैनिक बैठते हैं और चौथी पंक्ति में गुप्तचर, सीमा रक्षक और भृत्य अर्थात सेवक आदि बैठते हैं। तो उस सिंह के करकट और दमनक नाम के दो मंत्री थे जो पच्युत हो चुके थे, जिनको उसने पद से हटा दिया था, किंतु पुनः प्रतिष्ठित होने के लिए राज्य का अनुगमन किया करते थे। सिंह को बैठे हुए देखकर उन दोनों ने आपस में परामर्श किया। अब संजीवक जो है दहाड़ रहा है, यहाँ पिंगलक नामक सिंह अपने साथियों के साथ उस वन में जाता है जमुना का जल पीने के लिए, और उसके दो मंत्री जो है वो दूर बैठे हुए हैं जिनको उसने पच्युत कर दिया है। वो आपस में बातचीत करते हैं कि मित्र करकट, अपना स्वामी जल पीने के लिए यमुना के किनारे आया है, क्या बात है? प्यास होने के बावजूद व्याकुल होते हुए भी यमुना के किनारे से लौट आया और यहाँ चतुर्मंडल व्यू बनाकर चिंताग्रस्त होकर बैठा हुआ है। करकट बोला, यह सुनकर भद्र, हमें इन बातों से क्या लेना देना? और वैसे भी कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना कार्य के कार्य को करने की इच्छा करता है ना, वह कील उखाड़ने वाले वानर की तरह विनाश को प्राप्त हो जाता है। तब दमनक ने पूछा कि कैसे? तो अगली कथा जो है वो इसके अगले भाग में, कि किस तरह से बिना कार्य के करने वाला कार्य अगर कोई करता है तो कील उखाड़ने वाले वानर की भांति नष्ट हो जाता है, अगले भाग में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ इस भाग में हमने जो सीखा, जो शिक्षाएं इस भाग में मूल रूप से थी, उनको हम एक बार पुनः विचार कर लेते हैं। विश्व में ऐसा कुछ नहीं है जो धन से प्राप्त ना किया जा सके, क्योंकि धन के द्वारा जिसके व्यक्ति के पास धन होता है, लोग उससे मित्रता की चाह रखते हैं, बंधु आत्मीयता का व्यवहार करते हैं, उसकी गणना उत्तम पुरुषों में होती है, उसको विद्वान माना जाता है। जो याचक आते हैं धन प्राप्त करने की इच्छा से, लोग आते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, हर तरीके से उसको उपाधियाँ देते हैं। शत्रु भी धनिक व्यक्ति के लिए सज्जन बन जाते हैं, उसके साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं। दरिद्रों के आत्मीयजन भी उनके साथ दुर्जनता करते हैं और शत्रु भी धनिकों के साथ सज्जनता बरतते हैं। और धन होने से व्यक्ति के सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं, अगर कोई स्थान दुर्गम है तो वो भी गम्य हो जाता है, अपूज्य व्यक्ति भी धन से पूज्य हो जाता है, और जो बंधु नहीं है वे भी बंधु बन जाते हैं। भोजन जिस प्रकार शरीर के कार्यों को संचालित रखता है, धन व्यक्ति का उसी प्रकार सारे कार्य संचालित रखता है। धन का लालची व्यक्ति श्मशान को भी पूजता है और दरिद्र व्यक्ति अपने स्वयं के माता पिता को छोड़ के चला जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि धन संपन्न वृद्ध भी तरुण होता है और उसके समान लगता है, लेकिन तरुण व्यक्ति भी निर्धन हो तो वृद्ध के समान प्रतीत होता है। अब धन उपार्जन के जो उपाय बताए गए उनमें भिक्षा, सेवा, कृषि, विद्या, विनय, सूद पर धन देना और व्यापार। इसमें से भिक्षा तो नीच लोगों के कारण भ्रष्ट हो गई, नौकरी जो है उचित वेतन नहीं मिलता लोगों को, कृषि संसाध्य कार्य होता है, विद्या गुरु के विनय भाव और सेवा भाव करने के ऊपर, आपकी जैसे आप गुरु की सेवा करते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। सूद पर धन देने में मूल डूब जाने का खतरा होता है और व्यापार सबसे श्रेष्ठ माना गया है, किंतु किराने का व्यापार जिसे गांधिक तेल और इत्र का व्यापार कहते हैं वो अच्छा है। आभूषण का व्यापार में व्यक्ति को गिरवे रखने वाले के लिए दिन रात प्रार्थना करनी होती है कि वह मर जाए ना आए तो अच्छा होता है। या फिर कृषि जो है मोदीपने अर्थात ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार है, उसमें भी व्यक्ति कभी कभी कुछ लोग जो है छल कपट करते हैं, और ठगी अर्थात परिचितों को अधिक मूल्य पर चीज़ें देना, मुनाफाखोरी करना, इन चीज़ों से भी व्यापार होता है, लेकिन ये अच्छा व्यापार नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ व्यापार जो होता है विदेश विक्रय का होता है, अर्थात क्रय विक्रय, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिसे आज हम कहते हैं आज की भाषा में, उसका होता है। अगली शिक्षा जो कही गई, आचार्य ने कहा कि धन सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रथम जो शिक्षा है उसमें भी जो किराने का व्यापार है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार होता है, विदेश व्यापार का, वो श्रेष्ठ होता है। तीसरी बात जो कही गई कि बुद्धिमान व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं के लिए बड़ी वस्तुओं की हानि नहीं करवाता, अगर कभी छोटी वस्तु का त्याग करना पड़े बड़ी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तो छोटी वस्तु त्याग देनी चाहिए। फिर कहा गया कि भाग्य से रक्षित बिना संरक्षण की वस्तु भी जो है वह सुरक्षित रह जाती है, अगर प्रकृति उसे सुरक्षित रखना चाहे, कर्म फल आपके उस प्रकृति हिसाब से हों। और कई बार घर में भी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं सुरक्षित होते हुए वस्तु नष्ट हो जाती है, इसीलिए शोक और दुख नहीं करना चाहिए। और बिना व्यर्थ बिना कार्य के अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो जो है
नष्ट हो जाते हैं, ऐसे कार्यों को करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो बिना कार्य के हों। ऐसा क्यों, इसका वर्णन अगली कथा में हम आपके लिए करेंगे। और इसी के साथ इसी तरह की और प्रेरक कहानियों के लिए, नीति कहानियों के लिए, पंचतंत्र की और कथाओं के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट करें। धन्यवाद।